अरे मैडम आप बिना एक नंबर की अरे भोली हैं भाई. ऐसा है गोपीनाथ गंडोत्रा. हाँ जी जी भाई. इंसान जो है तीन सिचुएशन में इतना हड़बड़ाया हुआ और जो है भागा सा दिखे. एक ओलंपिक्स की रेस हो, टू छोरी का केस हो, या तीन एक्सीडेंट में काला किया हुआ फेस हो. हरी कौन सी सिचुएशन है भाई? हाँ मैडम ये जो तीसरी हुई 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 मतलब एक्सीडेंट हुआ है लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी मैडम. मैं तो अपनी गाड़ी एकदम सीधी सीधी चलाकर जा रहा था. सामने रास्ते में एक सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ आदमी दोनों हाथ में सब्जी की थैलियां लेकर रोड क्रॉस कर रहा था और मेरी गाड़ी जरा सी इतनी सी उससे जरा टकरा गई. अबे आदमी ने कुछ हुआ कि ना हुआ? नहीं नहीं मैडम उसे कुछ नहीं हुआ. मैंने देखा अपने रेव्यू मिरर में वो आदमी खड़ा हो गया था, एकदम ठीक ठाक था मैडम. और मैं तो गाड़ी भगा के चला गया ना. गुलगुले तुमने जो किया अच्छा नहीं किया, लेकिन ये तो बताओ कहीं से तुम्हें पहचान तो नहीं लिया? ओके भाई. अरे सब कुछ इतना जल्दी हुआ मैडम के एक दूसरे को देखने का टाइम ही नहीं मिला. और पहचाने का कैसे, मैं अपनी वर्दी थोड़ी ना पहना था. मतलब मैं कपड़े पहना था लेकिन कुछ और पहना था. फिर मैं अपने घर गया और वर्दी पहनकर यहाँ पर आ गया. चंद्रमुखी जी आज सुबह आपके इलाके में मैं सब्जी खरीदने गया तो किसी उल्लू के पट्टे ने अपनी कार से मुझे ठोक दिया. मेरा थैला और मैं दोनों गिर गए. थैले को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन मेरा हार्ट टूट गया. हुई 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 हुई. ओ, मतलब आज आपके घर में सब्जी नहीं बनेगी. शट अप यू आर यू. चंद्रमुखी जी सर मुझे वो आदमी चाहिए जो वो कार चला रहा था. सर मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर दिया. ये देखिए उस पे लिखा. ओके सर. थैंक यू. चलता हूँ. जय हिंद. जय हिंद सर. सर अब आपके घुटनों का दर्द कैसा है? चुभे चमचे. सॉरी. कमिश्नर सर, कमिश्नर सर आपको ठोक दिया है. ये मांग रहा है वो आदमी, गिफ्ट रैप करके तने दे दूं. ये लीजिए सर हैप्पी बर्थडे. नहीं 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 मैडम प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए मैडम. अरे वो तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, फिर मैं सड़क पर आ जाऊंगा मैडम. फिर मेरी एक बीवी और दो पड़ोसनों का क्या होगा मैडम? प्लीज मुझे बचा लीजिए. कुछ कीजिए, कुछ कीजिए मैडम, कुछ कीजिए. हाँ जी जी मम्मी जी, गलती इंसान से ही होती है. ये तो फिर भी गुलगुले है. ए जो भी है मैडम प्लीज प्लीज बचाइए ना मुझे मैडम. प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट मैडम, प्लीज सेव. अरे सोचने दो मन्ने, हटो. अरे Excuse me, हवलदार साहब. एक आधी खबर तो पढ़ने दो यार. बैठो आराम से इधर. बैठो बैठो आराम से. गर्मी बहुत है. और कोई बात नहीं आती तेरे को, जब देखो तब गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है. दो घंटे से एक ही बात बोल रहा है गर्मी बहुत है. की करा फिर गर्मी बहुत है. तेरी गिच्ची ए सी फिट करा दिया, बर्फा मंगा दिया, बर्फ की सिल्ली पवा दिया. कसम सुन लो की करा की तेरे वास्ते की करा की. पंजाबी पंजाबी. ओहो केड़ा इलाका है महाराज? मैं पटियाला भला. ओहो मैं भी पटियाला. सानू नाभा जी डिस्ट्रिक्ट पटियाला. ओ भाई भाई. एक्चुअली मेरी वाइफ है ना वो भल्ले दी है जी. तो तुसी आप? असि गंडोत्रा जी. गंडोत्रा. मच्छी मार्केट बना रखा है सवेरे सवेरे ठाणे का है. टिटपुड़ियागंज का प्लेटफॉर्म नंबर 5 हो रहा है चौकियोरी मारी. हां जी जी. अब मम्मी जी आ गया हूं, तुसी दसो किदे खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? मैडम देखिए मेरा नाम चालू चतुर्वेदी है, गर्मी बहुत है और मुझे इनके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है. गर्मी बहुत है. पल्ला साहब अपना पूरा नाम दसो और बताओ चक्कर क्या है. ठीक है गंडोत्रा साहब ठीक है. मैडम मेरा नाम है पिंटू पल्ला और मैं जी कसम उसूलों की उसी बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ जिसमें ये चालू चतुर्वेदी नाम का आदमी रहता है कसम उसूलों की. अब हुआ ये मैडम कि ये भल्ला साहब ने 6 महीने पहले हमारी बिल्डिंग का पेंटिंग का काम शुरू करवाया. बिल्डिंग तो फटाफट पेंट हो गई, सारी वो बांस की बलिया है वो निकाल दी, लेकिन मेरे फ्लैट के सामने जो बलिया है बांस की बलिया वो अभी तक नहीं निकाल रहे. गर्मी बहुत है.
मैडम इनके जो फ्लैट है उसके बाहर का काम हुआ ही नहीं, पेंटिंग हुआ ही नहीं, तो बलिया निकलेंगी कैसे कसम उसूलों की। हाँ तो क्यों नहीं हुआ, 6 महीने हुए, ना ही वो बलिया निकली ना ही वो पेंटिंग का काम शुरू हुआ, गर्मी बहुत है। मैडम मैं आपको समझाता हूँ, मैडम बात यह है जो पेंटर है जिसको पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसने हिसाब में बड़ी गड़बड़ की है मैडम। अब जब तक गड़बड़ सॉल्व नहीं हो जाती तो इसमें काम कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने चालू काम बंद करा दिया कसम उसूलों की। पल्ला साहब अगर आपने काम बंद करवा दिया है तो पुताई वाले को बोलो इसके घर से बलिया बलिया उतार दे। गंडोत्रा साहब बात यह है कि उसका 7 लाख रुपए का बिल बनता है कसम उसूलों की, जब तक उसके पैसे मिल नहीं जाते वो बलिया क्यों निकालेगा। और अगर अगर इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बलिया अपने आप निकलवा लें, हमें क्या है, पैसे दे दें 7 लाख रुपए दे दें बलिया निकलवा लें कसम उसूलों की। मैडम ये भल्ला साहब है ना वो जानबूझकर मुझसे लड़ रहे हैं, वो है ना मुझसे बदला लेना चाहते हैं, गर्मी बहुत है। बदला? अरे क्यों भाई तुमने इसकी बीवी छेड़ दिया साली। सॉरी सॉरी मैडम, हुआ ये कि एक बार मेरे घर में पूजा थी तो मैंने इनका पार्किंग लॉट है वहां पे हलवाई को बिठा दिया। आए विरोध करने आए तो मैंने इन्हें कहा कि देखो वहां पे अग्नि प्रज्वलित हो गई है तो मैं हलवाई को वहां से नहीं निकलवा सकता, गर्मी बहुत है। और मैडम इनके हलवाई की वजह से मुझे अपनी नई गाड़ी बाहर रोड पे पार्क करनी पड़ी मैडम। कसम उसूलों की मैंने नई गाड़ी बाहर रोड पे पार्क की और गाड़ी मेरी वहां से चोरी हो गई मैडम कसम उसूलों की। देखिए उसकी मैंने FIR लिखवाई जो अब तक मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ। ये देखिए मैडम ये FIR, ये देखिए। लेकिन ये जो मैं गुस्सा इसके ऊपर हो रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में कोई खुन्नस है इसके लिए कसम उसूलों की। भैया निकलो, कल आना, कॉम्प्लिकेटेड केस हो रहा है, सोच विचार करके रखेंगे। ओके निकलो चलो। हाँ गर्मी बहुत है। हाँ मैडम कल आएंगे कसम उसूलों की। चंगा जी फिर चिंता नहीं करनी, मैं है इतने है कोई नहीं। अरे आपका ये अबे यार ना ऐसे चीख मार रहा है जैसे नोट ना देख लिया हो, तेने जो है अपना MMS देख लिया हो जो सर्कुलेट हो गया कालजों में। अरे मैडम ये तो उसी गाड़ी की चोरी की FIR है जो मेरे पास है। चोरी की गाड़ियां यूज कर रहा है आजकल। अरे मैडम मैं क्या करूं, वो बिल्लू चोरट्टे ने वो गाड़ी जरा मुझे सस्ते में दे दी तो मैंने ले ली। मैडम आइडिया, हम एक काम करते हैं, हम वो कमिश्नर साहब को बता देते हैं कि वो गाड़ी मेरी है ही नहीं, वो तो भल्ला साहब की है, फिर कमिश्नर साहब जाके भल्ला साहब को पकड़ेंगे। पुलिस में रह के पुलिस पने की जो है बातें करवा दो इस साले से। अबे गाड़ी चोरी हो गई है, है FIR सामने पड़ी है और तू कह रहा है कि इनका नाम ले लो, कैसे चला रहा होगा ये गाड़ी। सॉरी मम्मी जी अब क्या होगा। बेटा अब जो चोरी की गाड़ी है ना, नहीं इसे किसी और को बेचनी पड़ेगी ताकि वो बन जाए उसका मालिक और यो गुलगुले जाए बच। लेकिन मम्मी जी वो कार हम बेचेंगे किसे। भाई ऐसा है भल्ला, हमने घनी छानबीन करी है और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि तू जो है ना जानबूझ के इसके घर के आगे से बल्लियां ना हटवा रहा और जानबूझ के पेंटिंग का काम शुरू ना कर रहा है तू। ये आप क्या कह रही है मैडम कसम उसूलों की। ना बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। हाय हाय अबे एकदम काइया टाइप आदमी हो रहा है तू, तैने जो है खुन्नक में आके इसके संग ये सब करा है। तू जो है इसने जिम्मेदार ठहरा रहा है अपनी गाड़ी चोरी होने का। अगर ये आपकी गाड़ी आपको ढूंढ के दिलवा दे फिर तो आप इसके घर के बाहर से बांस बलियां हटा दोगे ना। गंडोत्रा साहब मैं नहीं मानता ना गल्लां में, गल्लां सारियां फ्रॉड है, झूठियां गल्लां है, और पुलिस कहंदी कुछ है करदी कुछ है, पुलिस आप झूठी है, तुसीं तां आप पुलिस चो, तुहानूं तां पता ही होना है। कौन सा चैनल लग गया है, कुछ समझ रहे हैं आप? नहीं मैडम कुछ नहीं। मेरी गल सुनो, तुहानूं अपनी मां ते भरोसा है? हां है। बस साडी मम्मी ते भरोसा रखो। ठीक है ठीक है, अगर ये मेरी कार लौटा देंगे तो मैं इनके घर के सामने से बलियां हटवा दूंगा कसम उसूलों की। सही है चलिए निकलिए आप यहाँ से बुलवाएंगे। सुन लिया बेटा, इसकी गाड़ी इसने दिलवा दे फिर देख थारी प्रॉब्लम सॉल्व। मैडम जो कार चोरी हो गई है वो मिलेगी कैसे, गर्मी बहुत है। अरे मिलेगी यार मिलेगी, वो बिल्लू हमें बताएगा कि वो गाड़ी कहाँ है।
आता होगा बस, बिल्लू चौरट्टे आता ही होगा। बिल्लू माने? तुम्हारी लेस खुली है। लेस? आ गया मेरे दोस्त बिल्लू चौरट्टे आ गया, सबकी बेच दूंगा। ला। ओह ऑफ कोर्स। भाई ऐसा है बिल्लू, यो गाड़ी देख के बता कहाँ है ये कार। ये कार मैडम मेरे पास है, सबकी बेच दूंगा। अबे सबकी बाद में बेच लिए, पहले यो गाड़ी बेचनी है तेने। लेकिन मैडम चोरी की गाड़ी खरीदेगा कौन, सबकी बेच दूंगा। यो खरीदेगा? लेकिन मैं क्यों खरीदूंगा, गर्मी बहुत है। अरे यार खरीदोगे नहीं तो गिफ्ट कैसे दोगे? अब तुमने सुना नहीं भल्ला साहब ने क्या कहा कि अगर तुम उनकी गाड़ी उन्हें दे दोगे तो वो तुम्हारी वो बलियां वलियां सब घर के सामने से हटा देंगे। भाई गिफ्ट देने के लिए कार खरीदनी बहुत जरूरी है काके। अबे जितना कर मान जा चुपचाप से, और कोई ऑप्शन ना है। अच्छा ठीक है, तो कितने में खरीदूं? कितने बोल दूं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जबकि गाड़ी आपकी है? बस वैसे ही आप 2.5 लाख लगा दूंगा। क्यों ठीक है ना? अरे आप बार बार उनसे क्यों पूछ रहे हैं जबकि गाड़ी आपकी है? अरे एक मिनट यार, तेने आम खाने हैं कि गुटलियां जो है 100 पीस करके लगानी है, घर में सजानी है? 2.5 लाख में जो है गाड़ी खरीद ले, वरना 7 लाख में हटेंगी बल्लियां। नहीं 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 ठीक है मैडम, मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ। ये देखे मैं चेक भी दे देता हूँ उनको, ठीक है? 2.5 लाख रुपये, अरे बाप रे, गर्मी बहुत है। ये मेरी साइन। आपका नाम क्या है? अबे नाम छोड़, ये लो भाई, वो हम भर लेंगे अपने आप। ये वैसा है, डिलीवरी ले ले इससे जाके, और रिबन, रेड रिबन लगा के जो है सेक्रेटरी को गिफ्ट कर विद लव, और जो है अर्न ब्राउनी पॉइंट्स। चलो ना चल। अरे चल, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। चल चल चल। अरे यार मैडम मैडम आप मुझे बचा लीजिए, ये देखिए मुझे रास्ते से पकड़ के लेके आए, गर्मी बहुत है। क्यों, क्या कर दिया इसने? मैडम ये उसी गाड़ी में बैठा था जिस गाड़ी ने कमिश्नर साहब को ठोक दिया, और हमें तो इन्फॉर्मेशन पहले से थी, हमने झट से पकड़ लिया और लिया है आपके सामने। वेरी गुड, बढ़िया काम करा है, थैंक यू वेरी मच, आगे हम देख लेंगे। चलो। थैंक यू मैडम। अबे देख के रहा है डाल साले ने अंदर। एक मिनट, लेकिन मैडम मुझे क्यों? अबे थारी गाड़ी ने एक्सीडेंट मारा है कमिश्नर को। लेकिन मैडम वो गाड़ी तो भल्ला साहब की है ना। अरे लेकिन अब तो गाड़ी तुमने खरीद ली ना यार, तो गाड़ी के मालिक तुम हुए। हाँ जी जी, अब तो तुम पे केस बनेगा, चलो अंदर। लेकिन गर्मी बहुत है। बच गया मैडम, बच गया, अब मैं उस गाड़ी का मालिक नहीं हूँ। मैडम अब हम कमिश्नर साहब को बता देंगे कि वो गाड़ी भी मिल गई है और वो मालिक भी मिल गया जिसने वो कमिश्नर साहब को ठोका। हाँ चंद्रमुखी जी। चंद्रमुखी कुछ पता चला उस कार या कार के मालिक का? सर वो क्या, मुझे उसका पता चाहिए, मैं उसे सजा नहीं बल्कि इनाम देना चाहता हूँ। इनाम? कैसा इनाम सर? 25 लाख का इनाम, क्योंकि उस आदमी की वजह से मुझे 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 1 करोड़? 1 करोड़? आज से 30 साल पहले मैंने एक पॉलिसी ली थी, और उसके हिसाब से अगर 30 साल में मेरा कभी भी कोई एक्सीडेंट हो तो मुझे उसके बदले में 1 करोड़ मिलेंगे। 1 करोड़? जिस दिन उस आदमी ने मुझे ठोका उस दिन उस पॉलिसी का आखिरी दिन था। अब 1 करोड़ मुझे मिल गया है, उसमें से 25 लाख रुपए मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। जैसे ही पता चले मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। सर सर भैया, इतना जो है बैड लक किसी का खराब ना होगा जितना थारा है साले। ना वो गाड़ी अगर हमने उस चालू चतुर्वेदी को ना बेची होती तो मैं जो है कमिश्नर साहब को झट्टे देने की बोल देती कि सर गुलगुले भैया ये है वो सूरबीर जिसने आपको ठोका अपनी गाड़ी से, तो भैया तेने 25 लाख भी मिल जाते और प्रमोशन भी। मैडम कोई तो रास्ता होगा मैडम, कोई तो तरीका होगा मैडम। मैडम 25 लाख इज अ बिग अमाउंट, वी विल शेयर इट मैडम। भाई इसका एक आइडिया मन ने यो ही दिखे है कि उस चालू चतुर्वेदी से ना ना गाड़ी तू वापस खरीद ले, फिर तू होलेगा गाड़ी का मालिक। खरीदूंगा मैडम, जरूर खरीदूंगा, नहीं बेचूंगा।
बिल्कुल नहीं बेचूंगा, बल्कि ये कार मैं भल्ला साहब को गिफ्ट में दे दूंगा, लेकिन इनको नहीं बेचूंगा, गर्मी बहुत है। अरे दे दो यार, सबकी बेच दूंगा। देखो गुलगुले जो है वो 1,00,000 रुपए में खरीदने को तैयार है। ये कार मैं सिर्फ एक ही कंडीशन में बेचूंगा, इस कार के मैं 10,00,000 रुपए लूंगा, 7,00,000 उस पेंटर के मुंह पे मारूंगा, 2,50,000 कार के वसूल हो जाएंगे और 50,000 अपने मुंह पे मारूंगा, गर्मी बहुत है। मैडम अब यार यू अड़ गया ससुरा। साइन ओके। मैडम ये तो अभी तू दे देना इसके 10,00,000 तो... अबे 25,00,000 फिर भी आने वाले हैं, 15 का फायदा हो ही रहा है, काय को इतना, वरना कोई ऑप्शन ना है। गर्मी बहुत है, पंखा ठीक है मैडम, ठीक है मैं अपने बीवी के गहने और अपना घर गिरवी रखकर 10,00,000 रुपए ले आऊंगा। मैडम मैडम कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मैडम मैं आज शाम तक पैसे ले आऊंगा और वो गाड़ी भी अपने नाम पे कर लूंगा, आप बस कमिश्नर साहब को कल बुला लीजिए। पंद्रह लाख सर सर मैंने जो है सारी छानबीन करी है, और जिस गाड़ी ने आपको रगड़ा है ना सर, वो गाड़ी गुलगुले की है सर। सर और मौका है वारदात पर गुलगुले वो गाड़ी चला भी रहा था, गाड़ी के कागज आपके सामने पड़े हैं फाइल, और सर यो ही है आपका मुजरिम कल्प्रिट। सर बस आप मुझे बस दिखे सर, और मैंने स्पीड बढ़ा दी सर, एकदम एक्सलेटर में पैर रख दिया सर, एकदम जोर से। ओ थोड़ा सा मिस हो गए सर वरना और भी। रिलैक्स। थैंक यू गुलगुले, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो इसलिए ये 25,00,000 का इनाम तुम ले नहीं सकते, इसलिए मैं ये 25,00,000 रुपए पुलिस वेलफेयर फंड में दान करता हूँ। सर लेकिन लेकिन तुमने एक गलती की है, पुलिस वाला होते हुए एक्सीडेंट करके स्पॉट से भाग गए, इसलिए सजा के तौर पर मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। नहीं सर 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 मैं बताऊं, यो ना एक बालक सा है सर, यो ना लेट मी बट इन लेट मी एक्सप्लेन सर, ये जो है ना ज्यादा खाता है और ज्यादा जो है सर बोल जावे है कभी कभी, और ज्यादा खाने की वजह से सर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है इसने, तो सर कार में जो है इसको डकार आ गई हुई 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 हुई। और ये जो है संतुलन बिगड़ सा गया, और इसलिए सर इस चक्कर में गलती से आप थूक गए गाड़ी से सर। गलती से सर जी, ये एसिडिटी नहीं स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी। फिर भी आपके कहने पे मैं इसे माफ कर देता हूं, लेकिन एक बात याद रहे मिस्टर गुलगुले, नेक्स्ट टाइम जब भी आप गाड़ी चलाएं तो एसिडिटी की गोली खा के चलाएं, समझ गए? ऑफ कोर्स सर, गोली जी सर। चलता हूं, जय हिंद जय हिंद। अरे मैडम मैं तो लूट गया मैडम, बर्बाद हो गया। अरे मैडम मैंने अपना घर अपनी बीवी के सारे गहने गिरवी रखकर वो 10,00,000 रुपए लेकर वो चालू चतुर्वेदी को दिए थे, अब भैया और कर ले लालच, और जो है गाड़ी खरीद चोरी की, 25,00,000 देख के जो है एकदम डोगी की तरह लाल टपका ले, बेटा ग्रीडी बनेगा, यो ही परिणाम हो गया हमेशा। मैडम मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं कभी चोरी की गाड़ी नहीं खरीदूंगा, और मैं कभी लालच नहीं करूंगा, कभी ग्रीडी नहीं बनूंगा, सॉरी। आर यू श्योर? श्योर मैडम श्योर। भाई अगर ऐसी बात है तो मैं तन्ने बता दूं कि यो जो सब किया कराया है ना, यो मारी एक चाल थी। है? आओ भाई। आओ जी भल्ला साहब। भल्ला जी चालू? हाँ जी, कसम उसूलों की हमने तो मैडम के कहने पर ही मैडम का साथ दिया था इस ड्रामे में। पर मेरी तो गाड़ी भी कब की मिल चुकी है कसम उसूलों की, और मैं तो चालू जी को माफ भी कर चुका हूँ कसम उसूलों की। बल्ला साहब ने मेरे घर के सामने से बांस की बल्लियां भी निकलवा दी है, गर्मी बहुत है, और ये लो गुलगुले साहब आपके 10,00,000 रुपए। थैंक यू गर्मी बहुत है। गंडोत्रा साहब जी, किसी वेले कार आओ ना शाम नू। ओहो जरूर आवांगे महाराज, बोतल नाल अपनी लेके आना। ओ चलो, गंडोत्रा के मित्र हो रहे हैं सारे।
थैंक यू मैडम, थैंक यू। गुलगुले, ये मम्मी जी का चक्रव्यूह था जिसमें इस बार तुम फंस गए हो। नेक्स्ट टाइम यू शैल नॉट बी स्पेयर्ड। अरे नेवर नेवर मैडम नेवर। बोतल लाना, चलो पंजाबी तेरी। सबकी बेच दूंगा। अरे यार गुलगुले, एक चोरी का ट्रक आया है, खरीदेगा? कितने का है?